Yeah, today we have very important important questions on romantic age. आज हम लोग जो बात करेंगे romantic age को लेकर के बात करेंगे, लेकिन मैंने फाइल गलत शेयर किया है. मैं इस चीज को फाइल को मुझे क्लोज करना पड़ेगा. लेट मी शेयर इट. शेयर फाइल, शेयर पीडीएफ. Yeah, it's the correct file. So what we have today, we have some important questions and I hope the sheet is visible. We have near about 100 questions and I will try my best to cover 50 questions. Koshish karenge ki 50 questions cover ho jaye. सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ रियलाइज दैट टू लव नेचर इज टू लव गॉड, टू लव मैन, हेट गॉड, हेट मैन. वर्ड्सवर्थ का हमेशा कॉन्सेप्ट रहा रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर. तो वर्ड्सवर्थ का जो एक कॉन्सेप्ट है, वर्ड्सवर्थ ने महसूस किया दैट टू लव नेचर इज टू लव मैन. नेचर को लव करने का मतलब कि मैन को लव करना जो है. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है वहां पर. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. Then you see the stars. Question number two है, the stars to midnight shall be dear. जो मध्य रात्रि के तारे हैं वो dear होंगे. And she shall lean her ear. और वो अपने कानों को लगाएगी, सुनेगी in many secret lines. बहुत सारे जो है secret lines को, बहुत सारे गुपचुप ढंग से चीजों को समझेगी, सुनेगी. ये लाइन किसकी है, ये लाइन किसने कहा है? ये लाइन वर्ड्सवर्थ की है, लूसी पोयम से ली गई है. अगर आपको याद होगा, थ्री इयर्स शी ग्रीव करके एक उनका पोयम था जो है, ये वहां से ली गई है. तो जो एमसीक्यू हम लोग लेकर के चल रहे हैं अभी, एज वाइज कवर कर रहे हैं. अगर आपको याद होगा, अभी तक मैंने 18वीं शताब्दी पूरा कवर किया, अब हम रोमांटिक एज को लेके चल रहे हैं. उसके पहले अगर आपको याद होगा, मैंने जो लिया हुआ था रिस्टोरेशन एज, प्यूरिटन एज को मैंने काफी ज्यादा कवर किया हुआ था. तो इन दिस वे अगर आप देखेंगे कि अभी मैं एज को लेकर के ज्यादा फोकस कर रहा हूँ. तो रोमांटिक एज में ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द स्टार्स टू मिडनाइट शैल बी डियर टू हर एंड शी शैल लीड हर ईयर इन मेनी सीक्रेट लाइन. दीज लाइन्स आर फ्रॉम, ये लाइन्स कहाँ से लिया गया, लूसी से लिया गया. द सॉनेट्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ अपीयर. विलियम वर्ड्सवर्थ का सॉनेट कब पब्लिश हुआ, 1838 ईस्वी में पब्लिश हुआ, डडल सॉनेट अगर आपको याद होगा जो. उसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कई बार पूछा जा चुका है. ब्लिस वाज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव. करें कि ब्लिस का मतलब जॉयफुल, या काफी ज्यादा खुशियों भरा समय था. और जब हमने सब सुबह उठे तो हमने पाया कि जैसे हम एक नई सुबह जीवन, एक नया जीवन मिला हुआ है जब हमने देखा. और ऐसा लगा कि टू बी यंग वाज वेरी वेरी हेवन, कि ऐसा लग रहा था जैसे कि हर जगह जो है लोग यंग है, एनर्जेटिक है, लोगों में एक इंथुसिज्म है, पैशन है. वो किस चीज को लेके बात कर रहे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन. जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ये 1789 में ब्रोकन आउट हुआ था. और उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो स्लोगन था, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, उन चीजों को देख करके उन्होंने अपने द प्रील्यूड में ये लाइन उन्होंने लिखा, ब्लिस वाज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन. दूसरा है वर्ड्सवर्थ रिविजिटेड टिंटन अबे. वर्ड्सवर्थ टिंटन अबे को कब रिविजिट करते हैं, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स. अगर आपको याद होगा कि वर्ड्सवर्थ पहली बार यहाँ पे, अगर आप देखिएगा यहाँ पे 7 ईयर्स को दे रहे हैं, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने जो उसको रिविजिट किया था वो 5 ईयर्स के बाद रिविजिट किया था. क्यों, पहली बार उनकी यात्रा 1793 में हुई थी. और फिर उसके बाद जो है वो 1798 में उस जगह को रिविजिट करते हैं. और पहली लाइन लिखते भी है, 5 ईयर्स है पास्ट, 5 समर्स विद द लेंथ एंड अगेन आई हियर. तो ये 7 ईयर्स का ये वाला आंसर गलत है. जो आंसर करेक्ट है वो कौन सा है, 5 ईयर्स, 5 साल बाद वर्ड्सवर्थ टिंटन अबे को रिविजिट करते हैं. और उन्होंने एक पोयम भी
लिखा था टिंटन अबे के नाम से, और ये पोयम लिरिकल बैलाड के फर्स्ट वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था। और उसमें वो मैन नेचर रिलेशनशिप को लेकर के बात करते हैं, अपने आप को ट्रू वर्शिपर ऑफ नेचर को लेके बात करते हैं, उनकी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ को वहां पे मेंशन किया गया है, और रिवर वाई का मेंशन किया गया है। पोयम ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, पोयम जो है आपका ड्रामेटिक लिरिक फॉर्म में है। इतनी सारी बातें मैंने आपको बताया, और करेक्ट आंसर क्या है, 5 ईयर्स है। द करेक्ट आंसर इज 5 ईयर्स। द सोनेट ऑन सोनेट इज अ सोनेट कर, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। द सोनेट ऑन सोनेट या सोनेट है किसका, द सोनेट ऑन सोनेट इज अ सोनेट बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। ये सोनेट किसने, सोनेट ऑन सोनेट इज अ सोनेट बाई हु, बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग, ये भी एक लाइन है जो विलियम वर्ड्सवर्थ के सोनेट से लिया गया। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस कहाँ से लिया गया है, उनका एक सॉनेट है जो पेट्रार्चर मॉडल पर है, उसका टाइटल है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, दिस इज द नेम ऑफ द सॉनेट, उसमें से लिया गया है। और क्या कह रहे हैं कि द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग। वर्ड्सवर्थ मटेरियलिस्टिक लाइफ को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि हम दिन रात सुबह सवेरे ओनली वी आर बिजी टू अर्न मनी नथिंग एल्स, तो इस चीज को लेकर के उन्होंने बात किया हुआ। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस का ये पैटर्न है जहां पे उन्होंने बात किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट जो उनका है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन शुड बी द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री। ये स्टेटमेंट किसका है, स्टेटमेंट वर्ड्सवर्थ का। वर्ड्सवर्थ ने ये बात कहाँ पे कही है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड में कही है, प्रीफेस टू लिरिकल बी से बैलाड, ये कब आया है 1800 ईस्वी में। इसी प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड में वर्ड्सवर्थ ने ये बात कही गई है कि लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन, जो लैंग्वेज मैन के द्वारा यूज किया जाता है, शुड बी द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री, वही लैंग्वेज पोइट्री की लैंग्वेज होनी चाहिए। इट हैज बीन सेड बाय हु, इट हैज बीन सेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। हु डाइड ऑफ ट्यूबर क्लोसिस, ट्यूबर क्लोसिस से किसकी मौत होती है, जॉन कीट्स की मौत। जॉन कीट्स काफी कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह देते हैं और उनकी मौत ट्यूबर क्लोसिस से होती है। खास करके ये पोर्शन अब जो है ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई ये ना सोचे टीजीटी वाला कि मेरे यहाँ तो कीट्स है ही नहीं है, इतना कॉमन क्वेश्चन है कि जॉन कीट्स रोमांटिक एज के पोएट है। खासकर जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो यंग जनरेशन, ओल्ड जनरेशन, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री, और उसके बाद जो है आपका लेक स्कूल ऑफ पोएट, ये सब वहां पे आता है। तो इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट, इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये जो है हु डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस से जो मौत हुई जॉन कीट्स की। कीट्स इन डायमियन एज इंक्लूडेड इन कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री, कीट्स का जो पोयम इन डायमियन है इसको कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री में इंक्लूड किया गया था। ऑफ स्लेस वुड्स एडिनबरा मैगजीन, कौन सी मैगजीन, एडिनबरा मैगजीन, स्लेस वुड्स एडिनबरा मैगजीन, ये क्वेश्चन कॉमन से पूछा गया, यस या नो में, यस। कीट्स का जो पोयम इन डायमियन है, पहली बात तो ये कई चीजें आपको मिल रही है, इन डायमियन किसने लिखा, जॉन कीट्स ने लिखा। इसको किस में शामिल किया गया, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री में। जो कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री थी वो जो है कौन कौन से उसमें लोग आते हैं, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री में जो है विलियम हैजलिट को, विलियम हैजलिट को रखा जाता है, जॉन कीट्स को रखा जाता है। कॉकनी क्या थी, कॉकनी एक तरह से आप कह सकते हैं कि कम्युनिटी थी जिनको उस कम्युनिटी में पैदा हुए लोगों को बहुत सम्मान की निगाह से नहीं देखा जाता था, जैसे अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जैसे अपने यहाँ भारत में था, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट वहां पर भी था। तो वो काकनी वाले जो थे वो बहुत ही उच्च परिवार के लोग नहीं माने जाते थे, तो कीट्स उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और कहा गया कीट्स का जो इंडाइमियन है उसको इंक्लूड किया गया काकनी स्कूल ऑफ पोइट्री में, किसके द्वारा, स्लेस वुड्स एडिनबरा मैगजीन, यस। व्हाट इज द नेम ऑफ द मैगजीन, स्लेस वुड्स एडिनबरा मैगजीन। कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री अ फ्रेज क्वाइंड ऑन एनालॉजी विद द लेक पोएट्स,
लेक स्कूल कह रहे हैं कि जो कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री है या फ्रेज है क्वाइड किया गया ऑन एनालॉजी एक समानता के रूप में ऑन एनालॉजी एक, एक एक उसी के पैरलर किसके पैरलर लेक स्कूल जैसे लेक स्कूल ऑफ पोइट्री को आया हुआ था वैसे ही यस लेक स्कूल ऑफ पोइट्री में ओल्डर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स जो ग्रेट पोएट्स रॉबर्ट साउदे थे विलियम वर्ड्सवर्थ थे एचटी कॉलरिज थे वो लोग लेक पोएट्स में आते हैं लेकिन जब आप कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री की बात करते हैं तो यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स पीबी शेली विलियम जॉन कीट्स लॉर्ड बायरन तो क्वेश्चन पूछा जा रहा क्या कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री जो फ्रेज है इसको क्वाइन किया गया ऑन एनालॉजी विद द एक एक उसके सिमिलर खड़ा करने की तो यस लेक स्कूल उस समय काफी फेमस था उसके सिमिलर लाने की उसको कोशिश की गई मिडलाइन अ क्रिएशन ऑफ कीट्स करें जो मिडलाइन है क्रिएशन ऑफ कीट्स जो है या फिगर किसमें नजर आता है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस में नजर आता है बाकी ये सब भी जॉन कीट्स का पोयम हमें पता होगा इंडाइमियन उनका पोयम है ईसाबेला उनका पोयम है लोनिया उनका है वर्क है लेकिन जो मिड लाइन जो कैरेक्टर है या फिगर है ये किसमें नजर आता है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस में नजर आता है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस में नजर आता है लाबेली डैम सांस मर्सी इज अ बैलड लाबेली डैम सांस मर्सी एक बैलड है रिटन बाय जॉन कीट्स जिसका मतलब होता है अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी और इसका जो टाइटल है वो फ्रेंच में है किसमें है फ्रेंच में ला बेली डेम सांस मर्सी द टाइटल ऑफ द पोयम इज इन फ्रेंच एंड इट मींस अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी एंड इन दिस पोयम यू फाइंड द लव बिटवीन अ नाइट एंड अ फेरी क्वेश्चन नंबर 16 है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वंडरफुल सॉन्ग ऑफ ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ पोएट कीट्स पोएट कीट्स की मौत पर वह कौन सा एलिजाइक सांग लिखा गया एडोनाइस लिखा गया था हम सबको पता है लिखने वाले आदमी का क्या नाम था पी बी शेली ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन चला बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन चल रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज अ वंडरफुल सॉन्ग ऑफ ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ पोएट कीट्स इनमें से कौन सा एक वंडरफुल सॉन्ग ऑफ ग्रीफ है जो पोएट कीट्स की डेथ पर लिखा गया था एडोनाइस एडोनाइस उनका है नेक्स्ट है विच इज द स्टोरी रिटन बाय कीट्स ऑफ अ यंग शेफर्ड Beloved by Moon Goddess कह रहे हैं कि वह कौन सी स्टोरी है जो कीट्स ने लिखा और वह यंग शेफर्ड के बारे में कीट्स ने लिखा यंग शेफर्ड के बारे में है और जिसकी प्रेमिका एक मून गॉडेस है ये वर्क ये बात उन्होंने किस में बताई हुई है ये बात उन्होंने की विच इज द स्टोरी रिटन बाय कीट्स ये बात उन्होंने इंडाइमियन में बताई इंडाइमियन जो उनका वर्क है उसमें उन्होंने एक लव अफेयर दिखाया है किसके बीच में एक शेफर्ड के बीच में और मून गॉडेस के बीच में जो है लाइफ लाइक अ डोम ऑफ मेनी कलर्ड ग्लास ये लाइन कहां से लिया गया लाइफ लाइक सिमली का अ डोम ऑफ मेनी कलर्ड ग्लास एडोनाइस बहुत ही प्यारी लाइन है लाइफ लाइक जीवन है एक डोम के समान मेनी कलर्ड ग्लास जिसमें बहुत सारे जो है ग्लास कलर्ड नजर आते हैं ये कहाँ पे लिया गया एडोनाइस से लिया गया एडोनाइस क्या है एडोनाइस एक एलिजी है किसकी डेथ पर लिखा गया कीट्स की डेथ पर लिखा गया किसने लिखा है पी बी शेली ने लिखा वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट कह रहे हैं हम आगे भी देखते हैं पीछे भी देखते हैं And pine for what is not और हमें वो चीजें नहीं मिलती है जिसे हम चाहते हैं ये लाइन कहाँ से ली गई टू अ स्काई लार्क टू अ स्काई लार्क एक ओड है जो किसने लिखा पी बी शेली ने लिखा पी बी शेली ने वो टू अ स्काई लार्क वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर वॉट इज नॉट ये है किसका पी बी शेली का है नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई मैं बदल तो सकता हूं लेकिन मैं मर नहीं सकता ये लाइन कहां से लिया गया था क्लाउड से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन या क्वेश्चन चल रहा है ये सब चीजें पूछी जा चुकी
आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई द क्लाउड से लिया गया है। शेलीज एरियल टू मिरांडा वाज इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर प्ले। शेली का जो वर्क है एरियल टू मिरांडा, ये शेक्सपियर के किस प्ले से प्रभावित था? द टेम्पेस्ट से प्रभावित था। शेलीज एरियल टू मिरांडा, जो शेलीज का एरियल टू मिरांडा है या किससे प्रभावित था? द टेम्पेस्ट से, शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट से। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ओ टू द वेस्ट विंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ओ टू द वेस्ट विंड, जो टर्जा राइबा में लिखा गया है और किसकी लाइन है? पी बी शेली की लाइन है। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इन्फ्लुएंस शेली मोस्ट, करे कौन सी किताब ने शेली को बहुत प्रभावित किया था? पॉलिटिकल जस्टिस में शेली को सबसे ज्यादा अगर कोई किताब प्रभावित की थी तो दैट वॉज पॉलिटिकल जस्टिस। शेलीज ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, शेली का जो ये ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम है या क्या है? लिरिक है। शेलीज ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, इट्स अ लिरिक। शेलीज ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम। आई फॉल अपॉन द थॉट्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, मैं जीवन के कांटो, मेरा जीवन कांटों से घिरा है और मैं खून से लथपथ हूँ, या मैं एक तरह से आप कह सकते हैं मैं कांटों की शैया पर सोया हुआ हूँ और मैं खून से लथपथ हूँ। ये लाइन किसकी है? ओ टू द वेस्ट विंड की पी वी शेली की लाइन है। आर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, हमारा जो जन्म की एक तरह से हम एक जब हम जन्म लेते हैं तो एक एक जन्म को छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं और फिर इस तरह से हमारा जीवन चलता रहता है। बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, और पुरानी चीजों को भूल जाते हैं। ये लाइन कहाँ की है? वर्ड्सवर्थ की है। और अगर आप देखेंगे ये लाइन उन्होंने ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टेलिटी में बोला हुआ, आर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, वर्ड्सवर्थ की है। ये बात उन्होंने ओड ऑन द इंटीमेशन, आई से इंटीमेशन, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी, आई से इमॉर्टेलिटी, ये बात उन्होंने कही है। When did the French Revolution begin? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? 1789 में। From whom did the English Romantic poets get the idea return to nature? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। Return to nature का कॉन्सेप्ट इंग्लिश पोएट्स ने कहाँ से पाया? रूसो से पाया। रूसो ने ही रिटर्न टू नेचर, मैन इज बॉर्न फ्री, चेंज एवरीवेयर, इस तरह का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया हुआ है। Who gave a separate life and soul to nature? करे कि who gave a separate life and soul to nature? किसने अपना पूरा जीवन और आत्मा नेचर को दे दिया? वर्ड्सवर्थ ने दिया। वर्ड्सवर्थ मेड नेचर ऑफ, वर्ड्सवर्थ ने नेचर को क्या बनाया आदमियों के लिए? वर्ड्सवर्थ मेड नेचर द टीचर ऑफ मैन, वर्ड्सवर्थ ने नेचर को आदमी के टीचर के रूप में देखा, आदमी उसे नसीहत ले, उसे लर्न करे चीजों को। Our impulse from a vernal wood may teaches you more of the man of more evil and good than all sages can. This has been taken from, ये किसका है? वर्ड्सवर्थ का है। It has been just taken from Wordsworth. One impulse from a vernal wood may teaches you more of the man of more evil and of good than all the sages can. It has been taken. Wordsworth ने जब नेचर को एक टीचर के रूप में प्रेजेंट किया तो वहां पे बातें कहते हैं। Wordsworth died. Wordsworth की डेथ 1850 में हुई थी। We know it very well. कॉमन सा पॉइंट है। जन्म उनका 1770 में हुआ था। अभी कल की क्लास में मैंने ये बात कही, कल का मतलब जब अभी प्रीवियस क्लास हुई थी। Which bird was killed in the rhyme of the ancient mariner? Rhyme of the ancient mariner एक poem है H.T. Coleridge का। उसमें दिखाया गया कि एक चिड़िया का कत्ल किया जाता है, उसका नाम क्या है? Albatross। ये काफी important question है, कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही मतलब ऐसा question है जो कि ये नहीं कहा जा सकता कि इस examination में नहीं आएगा। ये general जानकारी की the rhyme of the ancient mariner ballad का example है। किसने लिखा? H.T. Coleridge ने लिखा। उसमें क्या दिखाया गया? द किलिंग ऑफ द एल्बाट्रस को दिखाया गया है। वेयर डिड सैमुअल टेलर कॉलरिज डाई? सैमुअल टेलर कॉलरिज की मौत कहाँ पे हुई? हाईगेट। ये तो पीजीटी के लिए, दिस क्वेश्चन इज ओनली फॉर पीजीटी वालों के लिए। सैमुअल टेलर कॉलरिज की डेथ कहाँ पर होती है? हाईगेट पर होती है। विच कॉलेज डिड सैमुअल टेलर कॉलेज अटेंड? सैमुअल टेलर कॉलेज ने कौन सा कॉलेज अटेंड किया था? जीसस कॉलेज। ये भी पीजीटी के लिए है। जीसस कॉलेज को उन्होंने अटेंड किया था।
विच पोयम वॉज रिटन बाई सैमुअल टेलर कॉलरिज आफ्टर हिज सिस्टर एड डाइड, इस सब के लिए वो कौन सी, उनकी सिस्टर का नाम एड था, जब उसकी डेथ हो जाती है तो कॉलरिज ने कौन सा पोयम लिखा था, मैंडी, कौन सा पोयम लिखा था, मैंडी। विच पोयम वॉज रिटन, कौन सी पोयम लिखी गई थी बाई सैमुअल कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा, आफ्टर हिज सिस्टर एड डाइड, जब उसकी सिस्टर एन की डेथ हो गई थी, दैट वाज द मैंडी, कौन सी पोयम लिखी गई थी, मैंडी लिखी गई थी। नाउ यू सी अनदर, विच पीरियोडिकल वाज पब्लिश बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज, कौन सा पीरियोडिकल सैमुअल टेलर कॉलरिज ने पब्लिश किया था, द वॉचमैन, द गार्जियन, द स्टेट्समैन, द सेंटीनल। इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन एज फार एज आई रिमेम्बर कि परहैप्स द गार्जियन था क्या, या द वॉचमैन, एक क्वेश्चन मुझे डाउट है, मुझे देखना पड़ेगा। विच पीरियोडिकल वॉज पब्लिश बाई सैमुअल टेलर कॉलरिज, उन्होंने फ्रेंड में तो काम किया था। विच मैगजीन वॉज एडिटेड, कह रहे कौन सी मैगजीन एडिटेड की गई थी बाई सैमुअल टेलर कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा, गार्जियन शी, गार्जियन शी इज राइटिंग, या द गार्जियन, सुरेंद्र इज राइटिंग द गार्जियन, यस इट इज द गार्जियन। द गार्जियन को फिर केवल द गार्जियन ही रखा जाए, बी द गार्जियन। उसके बाद का क्वेश्चन है कि विच मैगजीन वॉज एडिटेड बाई सैमुअल टेलर कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज ने कौन सी मैगजीन को एडिट किया था, तो सैमुअल टेलर कॉलरिज ने जिस मैगजीन को एडिट किया था उसका नाम जो है इस वाले क्वेश्चन में द फ्रेंड, द फ्रेंड को उन्होंने, वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह पूछा, वाटर वाटर एवरीवेयर नार एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, हर जगह पानी 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 है लेकिन एक भी बूंद पिया नहीं जा सकता, ये कहाँ से लिया गया, द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर से लिया गया है। शेली वॉज वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुल्ड रिनाउन, He died at the age of, शेली की जो डेथ होती है मुझे जहां तक याद है वो 30 की उम्र में मरते, 29 की भी उम्र में नहीं, 29 या 30 में थोड़ा सा, लेकिन 30 की उम्र में मुझे लगता है उनकी डेथ हुई है, थोड़ा सा मैं एक साल को लेकर के इसमें वो चल रहा है, बट यू कैन जस्ट सी कि उनकी जो डेथ हुई है वो 30 में हुई है, आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं, कंप्यूटर सब गड़बड़ हो जा रहा है टच करने से बार बार। द गार्जियन, यहाँ पे आंसर द गार्जियन, यहाँ पे द फ्रेंड, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। सुरेंद्र इज राइटिंग 29, मे बी, अगर 29 का दे रहा तो हो सकता है, मे बी। इसे एक बार आप देख लीजिएगा, सुरेंद्र जी ने बताया 29, मैं 29 कर दे रहा हूँ, 29 या 30 ऑलमोस्ट उसी में से उनका रहा। हाउ मेनी कैंटोज आर देयर इन शेली इज द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, ये पीजीटी का क्वेश्चन है, कितने कैंटोज में है, 12 कैंटोज में है। हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन शेली इज लिरिकल ड्रामा प्रामिथस अनबाउंड, ये तो पूछा जा चुका, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लिरिकल ड्रामा जो उनका प्रामिथस अनबाउंड है उसमें वो कितने एक्ट में, 4 एक्ट्स में है। How many acts are there in Shelley's lyrical drama The Cenci, Shelley का जो lyrical drama The Cenci है वो कितने act में, 4 acts में, क्योंकि Elizabethan age तक तो 5 acts चलता था, उसके बाद लोगों ने 4 acts इस तरह की चीजें शुरू कर दी थी। How many acts there in Shelley's lyrical play Oedipus Tyrannus, वो कितना है, 2 acts में। So यहाँ पे इस शीट में शेली के 3 प्ले को लेकर के, जिसमें अगर आप देखेंगे प्रोमिथस अनबाउंड, द सेंसी, ईडिपस टायरेनियस, और उनका एक और वर्क है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, वो कितने कैंटोज में डिवाइड किया गया है। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन शेली द सेंसिटिव प्लांट, करे कितना पार्ट है, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इज द सेंसिटिव प्लांट, शेली का जो सेंसिटिव प्लांट है कितने पार्ट में, 3 पार्ट्स में। To who is Shelley the Revolt of Islam dedicated? Shelley का the Revolt of Islam किसको dedicate है? Mary Godwin को। ये बहुत important question है, बहुत important है सबके लिए। Shelley का the Revolt of Islam is dedicated to Mary Godwin. Which work of Shelley has the subtitle The Spirit of Solitude? Shelley के कौन सा work का subtitle है The Spirit of Solitude? Elastor. Elastor उसका subtitle है। Elastor.
हु इज शेली द सेल्सी डेडिकेटेड, शेली ने अपना द सेल्सी किसको डेडिकेट किया, ले हंट को डेडिकेट किया, किसको डेडिकेट किया, ले हंट को डेडिकेट किया है। टू हु इज शेली द सेल्सी इज डेडिकेटेड, ले हंट को डेडिकेट किया गया है। व्हाट काइंड ऑफ प्ले इज द सेल्सी, सेल्सी किस तरह का प्ले है, सेल्सी इज अ ट्रेजिक कॉमेडी। फ्रॉम हूम सोर्स डिड शेली गेट फ्रॉम द आइडिया ऑफ द प्रोमिथस अनबाउंड, कह रहे कि जो शेली का प्ले द प्रोमिथस अनबाउंड है उसका सोर्स क्या है, फ्रॉम अ प्ले ऑफ एस्किलस, एस्किलस के प्ले से उन्होंने लिया हुआ है। वेर इज द सीन ऑफ ईडिपस टाइराइडियस बाई शेली लेड, शेली का जो ईडिपस टाइराइडियस है वो उसका सीन कहाँ पे है, थीब्स में, थीब्स में घटित हुआ है। शेली वॉज एक्सपेल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अपने किस पब्लिकेशन के लिए, ऑन द नेसेसिटी ऑफ ए थीसिस। तो ये सब चीजें आपने देखा कि 51 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि शेली को उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है किसके लिए, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म के लिए। वेर इज द सीन ईडिपस टाइरेनिसस, अरे जो ईडिपस टाइरेनिसस है शेली के द्वारा वो कब थीव्स में हो रहा है। फ्रॉम विच सोर्स डिड शेली गेट द आइडिया ऑफ राइटिंग द प्रोमिथस अनबाउंड, फ्रॉम अ प्ले ऑफ एस्किलस। तो इन दिस वे टुडे आई हैव कवर्ड 50 क्वेश्चंस, रिमेनिंग क्वेश्चंस आई विल कवर देयर अबाउट 45 या 46 क्वेश्चंस इन कमिंग डेज, उसमें हम लोग कवर करेंगे।